हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और हम जैसा कि आप लोग अगर मेरे साथ जो भी पुराने जुड़े हैं उनको पता है कि दोस्तों हम लोग यहाँ ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं। ज्योग्राफी में दोस्तों अभी जस्ट हम लोग का लास्ट में दोस्तों क्या हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज खत्म हुई है, जो पूरा हम लोगों ने काफ़ी क्लासेस की हैं, लगभग 80 क्लास उसमें की हुई है, ठीक है। बहुत डिटेल से, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव हम लोगों ने बहुत सारा कुछ किया है, और सब मैंने ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बनाकर विदाउट लिखा, सब लिख विद लिखा कर, मतलब हर एक चीज़ को लिख लिख कर खुद से मैंने आपको बताया है, तो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो भी जिनको भी अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो दोस्तों मैं पूरा ज्योग्राफी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक मेरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज नहीं देखी है तो वो जाकर एक बार जरूर देखें दोस्तों। हो सकता है पहली और दूसरी क्लास दोस्तों थोड़ी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो मेरी पहली क्लास थी तो थोड़ा बोर्ड दूसरा था, बट मैंने फिर उसके बाद मैंने उसको अलग किया है, मतलब दूसरा बोर्ड लेकर आया हूँ, तब से मेरी थोड़ी क्वालिटी ठीक है। बस दूसरी और पहली में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं ये पहले आपको बता देता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी करने के बाद दोस्तों आप मेरे साथ ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी है, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी का वो सारा इसी में होता है। तो इसको अगर जो पढ़ लेगा, अच्छे से समझ लेगा, तो उसको इंडियन ज्योग्राफी और बेटर अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको करिए जरूर, बट इसको भी देखते रहिए साथ साथ में। तो ये जो भी अभी, मतलब जो भी मेरे साथ अगर बाद में मेरी वीडियो देखेगा, मैं उनके लिए भी यही कह रहा हूँ दोस्तों कि वो भी दोस्तों क्या करना है, उनको भी मेरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ देखना। बहुत डिटेल से मैंने, मालूम है देखो, मेरा एक फंडा रहा है दोस्तों कि मैं जब पढ़ता हूँ तो भी मैं अपने कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ तभी भी मैं पीपीटी या फैक्ट के पीछे नहीं भागता, क्योंकि फैक्ट दोस्तों आजकल पेपर में बहुत कुछ पूछे जाते हैं, बहुत कम ही पूछे जाते हैं। आप लॉजिकल रहेंगे तो आप फैक्ट भी आपको कहीं ना कहीं से आप निकाल लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको मैंने बता दिया कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों आप, मैं बता दूं, हम लोग दोस्तों यहाँ पे, मैंने कल पहली क्लास की थी फिजिकल ज्योग्राफी में, मैंने यहाँ पे जब मैं कल पढ़ा रहा था तब मैंने कल आप लोगों को दोस्तों बताया था कि लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो बेसिक होता है और ज्योग्राफी का क्या मीन्स होता है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों आपको कल बताई थी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों आपको कल बताई थी। और आज जो हमारा जो टॉपिक है, मैं बता देता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों का, क्योंकि कल हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा था, देखो हम लोगों ने बेसिक देखो देखा था लेटीट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड का दोस्तों, यानी दोस्तों मैं हिंदी भी बता देता हूँ अभी, परेशान मत होइएगा, लॉन्गिट्यूड यानी दोस्तों अक्षांश एवं देशांतर, ये चीज़ें हम लोगों ने कल की थी, ठीक है। कल हम लोगों ने इनके बारे में बेसिक पढ़ा था, आज हम इन्हीं के बारे में आगे चर्चा करते हुए दोस्तों आज हम लोग टाइम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कि हमारा जो समय है, आप सब लोग अगर जो भी थोड़ा वो ज्योग्राफी जानता है वो सब जानते हैं कि हमारा जो समय है इंग्लैंड से दोस्तों क्या है 5 घंटे आगे, यानी वहाँ अगर 12 बजता है इंग्लैंड में तो हमारे यहाँ क्या बजता है दोस्तों 5:30, ठीक है। तो 5:30 घंटे का जो अंतर है वो कैसे है, वो सारी चीज़ें, और हमारा जो टाइम है वो कैसे, क्या कैसे हैं अमेरिका से दोस्तों, जो इंग्लैंड का टाइम और अमेरिका के टाइम के बीच में दोस्तों 4:56 का जो टाइम, जो मतलब अंतर है वो कैसे है, तो उसको हम लोग समझेंगे, टाइम कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो टाइम कॉन्सेप्ट समझेंगे और आपको बहुत बेसिक से मैं हर चीज़ एकदम आपको दोस्तों मैं बता दूँ सब कुछ पता है, बट क्या है आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। मैं आज आप लोगों से पूछ पूछ के देखिए वहाँ बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि आज हम लोग टाइम कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे दोस्तों, जो भी आज अगर नए जुड़े हैं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर कर दें, अपने जितने मित्र हैं उनको भी बता दें दोस्तों इस तरीके से यहाँ क्लासेस चलती हैं। बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप बस आराम से मेरे साथ इत्मीनान से बने रहिए, जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दी दोस्तों काम शैतान का होता है। और मैं आपको कहानी के थ्रू ही सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने कल आपको एक कहानी पढ़ाई थी, आज फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और दोस्तों देखिएगा
आप बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अब आराम से बने रहिएगा, मैंने हर चीज़ को कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपका काम बस इतना है कि आप दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और वीडियो पे कमेंट कर दिया करें, बस इतना काम आप कर दिया करें। बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप आराम से पढ़िए बैठ के, तो इतना नोके बस यहाँ से जाके जो मैं पढ़ाया उसको रिविज़न कर लीजिए, आपके दिमाग एकदम बैठ जाएगा। और ज्योग्राफी दोस्तों ना खेलते खेलते हंसते हंसते आपको पढ़ा दूंगा, आपको पता भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है। हाँ ठीक है, तो चलो हम लोग अपना शुरू करते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं टाइम कॉन्सेप्ट की, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों, टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों क्या है, मैं आपको भी खाली कल की जो क्लास देखे होंगे उनको समझ में आई होगी चीज़ें कि क्या होता है देशांतर, क्या होता है अक्षांश रेखाएं। थोड़ा अगर अर्थ थोड़ा ऐसा वैसा बनाओ, गोल नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हमको समझना है, हमको ऐसा इमेजिन कर लेना है जैसे कि इस पे जो लाइनें थी दोस्तों इमेजिनरी लाइन थी, मैंने बताया था, ठीक है। तो मान लो एक लाइन ये है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री है ये, हम लोग जानते हैं जैसा कि ये 0 डिग्री है। और एक लाइन इसी पर ये है और ये लाइन मैंने बना दी दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट। मैंने बताया था ना 0 डिग्री के जो इधर होता है, मैं इधर नीचे बना दे रहा हूँ, 0 डिग्री के जो इस साइड होता है उसको ईस्ट हेमीस्फीयर बोलते हैं, ईस्ट हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मतलब दोस्तों पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और इसके जो इधर होता है 0 डिग्री के इधर होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वेस्ट हेमी स्फीयर, यानी दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध। देखो मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी, इसको दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, मैं कल भी बताया था। और इसको दोस्तों पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, हिंदी में इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, ये ठीक है पूर्वी गोलार्ध। तो एक लाइन मैंने बनाई है 82.5 डिग्री ईस्ट दोस्तों, किसके, 0 के, 0 से सारा कुछ लेना है, अगर ईस्ट बोल रहे हैं तो 0 से, है ना, 0 डिग्री से। और फिर एक लाइन मैंने बना दी इधर जिसको मैंने नाम दे दिया 74 डिग्री वेस्ट, वेस्ट भी समझ में आ गया होगा, किससे दोस्तों 0 डिग्री से वेस्ट की ओर, ठीक है। तो इनके बीच का जो टाइम कॉन्सेप्ट है इनको हम मतलब अब हमको देखो मुझे हम लोगों को टाइम कॉन्सेप्ट की दोस्तों ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले आप मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। ऐसा था ना कि जब यूरोप के कई कंट्री ऐसे थे जिन्होंने दोस्तों बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, ठीक है, उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश का मतलब दोस्तों आप लोग को पता होगा, किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे देशों ने, यूरोप के कई देशों ने दोस्तों मतलब देश दुनिया के कई देशों को दोस्तों क्या किया था, अपना उपनिवेश बनाया था, यानी अपना गुलाम एक तरीके से कह लो बनाया था, जैसे फ्रांस है या इंग्लैंड है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके के दो देश मेजर थी हम देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इनका पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर जगह पर कहीं ना कहीं दोस्तों उपनिवेश था। इनमें सबसे ज़्यादा दोस्तों किसका था, ब्रिटेन का। दोस्तों ब्रिटेन का क्या था दोस्तों, ऐसा उसका कहा जाता है कि उसका साम्राज्य दोस्तों इतना बड़ा था कि दोस्तों उसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। मतलब ये था दोस्तों कि अगर मान लो उसका साम्राज्य दोस्तों मान लो दोस्तों क्या था, अमेरिका में भी था, अफ्रीका में भी था दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में था, एशिया में था, यूरोप के कई कंट्रीज में था, तो उसका क्या था दोस्तों, हर मतलब बहुत लगभग पूरे विश्व पर उसका प्रभाव था। तो होता यह था कि मान लो कभी क्या है कि मान लो सूरज ईस्ट से गुजरा, मतलब ईस्ट में निकला, तो इसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे मान लो ईस्ट में मान लो इंडिया में अभी दिन हो गया, ठीक है, ये दिन है, बट उसके बाद मान लो अमेरिका में क्या होगा, रात होगी, ठीक है। फिर दोस्तों क्या होगा, इसके बाद दोस्तों ये इंडिया में रात हो जाएगी तो अमेरिका में दिन हो जाएगा,
तो इस तरीके से दोस्तों कहा जाता है कि उसके मतलब उसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि दोस्तों दुनिया में कहीं ना कहीं तो दोस्तों सूर्य निकला ही रहता है ना। सूर्य तो कभी ऐसा हम लोग जानते हैं कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। अस्त कहने का मतलब यह है कि दोस्तों बस वो हमारे तरफ से गायब हो जाता है। मान लो इंडिया में सूर्य निकला है, सूर्य दिख रहा है तो यानी सूर्य निकला है, और मान लो अमेरिका में उस समय नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब वो सूर्य अमेरिका के लिए अस्त है, ठीक है। और हम मान लो जब हमारे यहाँ रात होती है तो अमेरिका मान लो दिन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सूर्य, यानी अर्थ में दोस्तों सन कहीं ना कहीं तो दोस्तों पूरे अर्थ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम दिन में रहता रहता है। तो और भारत और दोस्तों यूरोप जो सॉरी दोस्तों ब्रिटेन का जो साम्राज्य था वो पूरे विश्व में लगभग फैला हुआ था, इसी वजह दोस्तों क्या था उसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। सबसे बड़ी उसकी समस्या क्या होती थी उसको दोस्तों, समस्या ये होती थी मान लो उसने इंग्लैंड से कोई सामान भेजा अमेरिका इंडिया, ठीक है। अब यहाँ होता तो दोस्तों 5.5 घंटे का अंतर क्या होता था, मान लो वहाँ 12 बजे चले और यहाँ पहुँचे दोस्तों 5:30 बजे, और वही दोस्तों क्या होता था 5:30 बजे शाम को पहुँचे, ठीक है, ये अंतर होता था। अब होता क्या था, अब वहाँ से आने में डिस्टेंस लगता था, क्योंकि दोस्तों क्या है ऑलरेडी यहाँ 5:30 घंटे हम आ गए हैं। मतलब दोस्तों क्या है, देखो 12 बजे वहाँ मान लो दिन हो रहा है, एएम हो रहा है, और यहाँ कितना बज रहा है उसी समय दोस्तों 5:30 पीएम हो रहा है उसी टाइम पे जब वहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। क्यों, अभी मैं बताऊंगा। अब क्या होगा दोस्तों, अब जब उसको यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम तो लगेगा, मान लो 10 घंटे लगेगा। अब वो वहाँ कैलकुलेशन कर रहा है कि जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो रात के 10 बजेगा, ठीक है। तब वो वहाँ से कैलकुलेशन कर रहा है कि मान लो रात के 10 बजेगा, ठीक है, ठीक है, 10 घंटे मान लो। मगर होता क्या था दोस्तों, अब ये 5:30 में हम 10 घंटे जोड़ेंगे ना, तो 5:30 में 10 घंटे जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कितना पहुँच जाएगा ये 3:30 मिनट, और ये दोस्तों 10 2 12 यानी 3, वो 3:30 पे पहुंचेगा। यानी क्या हो जाता है, इधर टाइम का हेरफेर हो जाता था, उसको समझ में नहीं आता था करें क्या। तो उसने क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक हल निकाला कि हमें क्या करना चाहिए, पूरे विश्व को दोस्तों कुछ टाइम जोन में बांट देना चाहिए, कुछ किसी की हर देश का क्या होना चाहिए, एक अपना अपना टाइम स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, है ना, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होगा उस देश का टाइम निकाला जाएगा, उस टाइम का दोस्तों उस देश का क्या होगा टाइम सेट किया जाएगा। तो इसी तरह जैसे हम इंडिया में दोस्तों देखते हैं कि 82.5 डिग्री क्या है हमारा, क्या है दोस्तों मानक समय है ना, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों, ठीक है। तो ये करने के लिए दोस्तों क्या है कि उसने दोस्तों एक मानक स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट निकाला था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने थोड़ा आपको हिस्ट्री में ले जाकर समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत कायदे समझ में आ गई, एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि वो मानता था कि जब मान लो 12 बजे वहाँ से लगा, वो सोचता था कि हम भाई 10 घंटे का सफ़र है मान लो, तो सोचता था 12 है अभी बज रहा है एम, तो हम रात के 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। बट एक्चुअली ऐसा था नहीं, क्योंकि हम लोग दोस्तों कहते 5:30 घंटे उससे एक्स्ट्रा पहुँचे, मतलब टाइम हमारा ज़्यादा रहता था, 5:30 बजा रहता था। अब वहाँ हमारे यहाँ 5:30 बज रहा है और उसके यहाँ 12 बज रहा है, जब वो वहाँ से चलेगा 10 घंटे, वो सोचता था हम 12:10 से पहुँचेगा, मगर पहुँचता कहाँ था दोस्तों, सॉरी 10 बजे पहुँचेगा, मगर सोचता पहुँचता कब था दोस्तों 3 बजे, 3:30 बजे पहुँचता था। तो ये सब चीज़ें उसके दिक्कत कर रही थी, इसीलिए उसने क्या किया कि तो पूरे विश्व को दोस्तों क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम को पूरे देश को दोस्तों क्या किया, हर देश का अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया। जैसे इंग्लैंड का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 0 डिग्री, जिसको ग्रीनविच टाइम है ना कहते हैं, तो ग्रीनविच मेडिटेरियन जो है वो दोस्तों इसका स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। तो और हमने उसी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसी के यहाँ कन्वेंशन हुआ था, इंग्लैंड में ही दोस्तों हर चीज़ें चल रही थी, तो इसीलिए दोस्तों उसने अपने को केंद्र बनाकर दूसरे पूरे विश्व को दोस्तों क्या हुआ, 2 हिस्सों में बांट दिया। ईस्ट वाले उसके 0 के इधर वाले को दोस्तों उसने ईस्ट बोल दिया, और 0 के इधर वाले को दोस्तों उसने वेस्ट बोल दिया, बता दिया, ठीक है। तो ये स्टोरी समझ में आ गई होगी आपको, मुझे ये उम्मीद है आपसे, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब टाइम कॉन्सेप्ट का ये क्यों था और ये सब चीज़ें क्यों हैं कि ये समझने के लिए, ठीक है, आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि क्यों टाइम कॉन्सेप्ट आया दोस्तों, इसका क्या कॉन्सेप्ट था दोस्तों टाइम, है ना, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा इसको समझाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मुझे स्टोरी इतनी बताने के लिए दोस्तों ये सारी चीज़ें करनी पड़ी थी। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, अर्थ ऑफ मोशन, है ना, यानी पृथ्वी की गति, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन कह लो या दोस्तों ना, ठीक है, अर्थ ऑफ मोशन दोस्तों आपको समझना होगा, क्या पढ़ना होगा दोस्तों, अर्थ ऑफ मोशन ऑफ अर्थ, सॉरी दोस्तों अर्थ ऑफ मोशन ही मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति यानी पृथ्वी का घूर्णन दोस्तों, मोशन ऑफ अर्थ,
दोस्तों मोशन ऑफ अर्थ आपको समझना होगा, मोशन ऑफ अर्थ पृथ्वी की गति, ठीक है दोस्तों, मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गति, ठीक है, ये समझना होगा। इसको समझने के लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दोस्तों पृथ्वी दोस्तों क्या है, दोस्तों पृथ्वी का जो मोशन है वो दोस्तों दो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा दोस्तों? एक होता है दोस्तों रोटेशन, रोटेशन, दूसरा दोस्तों होता है रेवोल्यूशन, 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 है ना। अर्थ है दो तरीके से घूमती, एक तो क्या करती है दोस्तों वो अपने अक्ष पे घूमती है, दूसरा एक सन के चारों तरफ घूमती है। मैं भी बताता हूं रोटेशन को दोस्तों क्या बोलते हैं, दोस्तों परिक्रमण, क्या बोलते हैं दोस्तों रोटेशन को, परिभ्रमण, सॉरी दोस्तों परिभ्रमण, अभी दोस्तों कंफ्यूज हो रहे होगा तो मैं आपको भी एक चीज एक एग्जांपल दूंगा, और इसको बोलते हैं दोस्तों परिक्रमण, परिक्रमण, इसको दोस्तों परिभ्रमण या इसका घूर्णन भी बोलते हैं दोस्तों, इसको परिभ्रमण या दोस्तों घूर्णन भी हिंदी में बोलते हैं, और उसको दोस्तों परिक्रमण। दोस्तों मैं आपको समझाऊं, देखो क्या है, जैसे अगर आप कभी 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 मान लो परिभ्रमण और परिक्रमण में कंफ्यूज हो जाए तो आपको एक चीज बताता हूं। अभी दोस्तों मैं पहले इसको समझ, पहले इसको मैं डायग्राम बनाता हूं फिर और आपको समझ में आएगा। अभी देखिए दोस्तों, दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये ऐसा मान लो कि ये दोस्तों क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा सन है, ठीक है, सन है, ठीक है दोस्तों, तो ये सन है, ठीक, इसका ये डायग्राम, और ये क्या है दोस्तों, ये अर्थ है हमारी, ये क्या है दोस्तों, अर्थ, ठीक है, अभी बस आप समझिए, और ये क्या है दोस्तों, ये भी सन है दोस्तों, बीच में, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है। अभी मैं बताता हूँ क्या है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये अर्थ है, ई फॉर अर्थ, पता समझ में आ जाएगा दोस्तों, ई फॉर अर्थ, आप पूरा लिख लीजिएगा इसी गोले के अंदर, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, आप कभी भी अगर परिभ्रमण और परिक्रमण, रिवोल्यूशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे ये पता है, बट आप हिंदी में कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण लिखे, रोटेशन को परिभ्रमण बोले या परिक्रमण। तो देखो एक मंदिर है दोस्तों, हम अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं उस मंदिर के परिक्रमा लगाते हैं, परिदक्षिणा जिसको बोलते हैं, वो परिदक्षिणा एक होता है चारों तरफ मंदिर के बना होता है, मंदिर बीच में होगा फिर, और उसके बीच में जगह छोड़ दी जाएगी कि लोग आए उसका परिक्रमा करें। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मंदिर का परिक्रमा करते हैं, मतलब क्या होता है, मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, मंदिर का क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लो ये सेंटर मंदिर है और हम लोग क्या करते हैं मंदिर के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं, उसको परिदक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है, अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे सब आप समझ गए, तो उसके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं। तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम चारों तरफ घूम रहे हैं, यानी मतलब दोस्तों परिक्रमा लगा रहे हैं, कहते हैं ना कि मंदिर में परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, 51 परिक्रमा, 101 परिक्रमा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, तो इसी तरह दोस्तों क्या है, सन को केंद्र मानकर दोस्तों अर्थ क्या करती है, उसके चारों तरफ क्या करती है दोस्तों, परिक्रमा लगाती है। तो इसको दोस्तों रेवोल्यूशन बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको परिक्रमण बोला है, ठीक है। और रोटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिभ्रमण होता है, जैसे क्या होता है दोस्तों, लट्टू जैसे क्या होता है, लट्टू क्या होता है, एक ही जगह पर एक्सिस होकर और चारों तरफ को घूमता रहता है। जब आप लट्टू नचाएंगे, लट्टू को कुछ को जब एक जगह पे वो सेंटर बना लेगा तो वो क्या करता है, एक जगह घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परिभ्रमण बोलते हैं। और जो हम लोग मंदिर में जो चक्र जो लगाते हैं परिक्रमा, उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमा, है ना, तो उसी का परिक्रमण है, माँ है दोस्तों, तो परिक्रमण है ना, परिक्रमा, और दोस्तों क्या है, और ये सन दोस्तों क्या है, सेंटर में है, उसके चारों तरफ अर्थ क्या है ये। अब दोस्तों क्या है, इसको इसको एक और चीज़ में याद रखना दोस्तों, क्या होता है,
अर्थ दोस्तों क्या होता है, सन की अलग अलग पोजीशन में दोस्तों सेल्फी लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मान लो किसी बीच में गए, या कोई मान लो कोई हम लोग को कुछ ऐसा लोकेशन मिल गया कि अरे बहुत अच्छा लोकेशन है, इसका हम लोग लाओ दाहिने से भी सेल्फी ले लें, बाएं से भी सेल्फी ले लें, एक सेंटर से भी सेल्फी ले लें, एक ऊपर से भी सेल्फी ले लें, ताकि उसका सारा पोजीशन हमारे सामने आ जाए, ताकि हम उसका कोई एक एक कोना क्या करें जांच लें, है ना, एक एक कोना का वो दोस्तों हम सेल्फी ले लें। तो इसी तरह दोस्तों अर्थ भी क्या करती है, सूर्य की दोस्तों क्या करती है, सेल्फी लेती है। वो एक बार जाएगी इधर ईस्ट की तरफ जाके सेल्फी ले लेगी, एक तरफ वेस्ट जाकर, एक बार साउथ पे जाकर, एक बार नॉर्थ के। तो ये तरह जान लो कि ये दोस्तों सन के चारों तरफ अलग अलग रूप में एक सेल्फी लेती है, ठीक है। वो समझाने के लिए है, बट आपको याद करने के लिए मैंने बताया कि सन क्या करता है दोस्तों, सन सेंटर में होता है और अर्थ इसके चारों तरफ परिक्रमा करती है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, रोटेशन करती है, ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो रोटेशन एवं परिभ्रमण में आप अंतर लो दोस्तों, रेवोल्यूशन में आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। और एक चीज़ ये जान लो दोस्तों, ये दोस्तों क्या करती है, इसके चारों तरफ ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों बोलते हैं ऑर्बिट। भाई अर्थ जो होती है सन के किसी ऑर्बिट में तो करती है, ऑर्बिट मतलब दोस्तों कक्ष, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों अक्ष होता है, एक्सिस मतलब दोस्तों क्या होता है, ये अब जब अपने एक्सिस पे घूमती है, यानी ये अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो एक्सिस को मतलब दोस्तों क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, और ऑर्बिट को दोस्तों क्या बोलते हैं, कक्ष, ठीक है। ये अपने एक्सिस पे घूम रही है और ये दोस्तों क्या हो रहा है, उसके कक्ष पे घूम रही है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। जब अर्थ जो दोस्तों क्या होती है, जब रोटेशन करती है तो वो अपने अक्ष पे घूम रही होती है, अपने अक्ष पे ही एक ही जगह स्थिर होकर चारों तरफ घूम रही होती है, ठीक है। और जब वो दोस्तों क्या करती है, रेवोल्यूशन यानी परिक्रमा करती है, तो दोस्तों क्या करती है, वो सन के एक पाथ होता है, एक कक्ष होता है, उसके चारों तरफ घूम रहा होता है, ठीक है। और ये पाथ जो होता है वो इलिप्टिकल्स होता है दोस्तों। कैसा होता है दोस्तों, ये जो क्या होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, परिविलयकार होता है दोस्तों, इलिप्टिकल होता है, ठीक है दोस्तों, इलिप्टिकल होता है, ये आपको याद रखना है, परिविलयकार होता है, परिविलय है ना, इलिप्टिकल होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, एक तो अक्ष होता है और एक दूसरा कक्ष होता है। जब अर्थ अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रोटेशन बोलते हैं। जब अर्थ सन के कक्ष के चारों तरफ, जब सन अर्थ मतलब दोस्तों सॉरी जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है किसी कक्ष में, तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण या दोस्तों रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, अर्थ का जो मोशन है वो इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों समझो दोस्तों, देखो मैं इधर आपको समझाता हूँ दोस्तों, क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो ड्यूरेशन है, मतलब क्या है दोस्तों, ड्यूरेशन रोटेशन का जो ड्यूरेशन है दोस्तों, वो कितना है दोस्तों, अर्थ कितनी देर में दोस्तों एक अपना परिक्रमण पूरा कर लेती है, तो दोस्तों लगभग दोस्तों 24 घंटे में दोस्तों क्या करती है, अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है। किसी बुक में लिखा होगा दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट, तो उतनी ज़्यादा साइंटिफिक बनने की जरूरत नहीं है, उतना वैज्ञानिक या गणितज्ञ नहीं बनने की जरूरत है, बस आप इतना मैक्सिमम मान लीजिए कि लगभग 24 घंटे के आसपास में दोस्तों क्या करती है, अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है। तो रोटेशन का ड्यूरेशन कितना है दोस्तों, 24 घंटे, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है दोस्तों, अर्थ जो है अपने डायरेक्शन मतलब दोस्तों दिशा क्या है दोस्तों, अपने डायरेक्शन दोस्तों क्या है, अपने दोस्तों मतलब अर्थ जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व में रोटेट करती है या पूर्व से पश्चिम, तो दोस्तों क्या कर कैसे करती है रोटेट, पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूर्व लिखना दोस्तों, ऐसे कॉमा करके मत लिखना, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। ये मैं रोटेशन में लिखा रहा हूं, आप लोग दोस्तों यहां नीचे जगह होगी आपके पेज में, आप लोग वहां बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। डायरेक्शन दोस्तों क्या है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। अब इसका दोस्तों क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, मतलब दोस्तों रोटेशन का दोस्तों क्या होता है अर्थ पे, दोस्तों रोटेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है दोस्तों, इससे क्या होता है, डे यानी दिन और दोस्तों नाइट, डे एवं नाइट का बनना, का दोस्तों बनना,
डे एवं नाइट का दोस्तों क्या होता है, बनना होता है। किससे दोस्तों, इफेक्ट। क्यों दोस्तों, देखो अब जब सन अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है, यानी दोस्तों सॉरी दोस्तों अर्थ जो है सन के सामने है, ठीक है। सन का दोस्तों एक तरफ देखो, अभी मैंने दिखाया दोस्तों एक पक्ष में पड़ रहा है, अभी घूम के दोस्तों क्या होगा, ये इधर की ओर आ जाएगा ये वाला दोस्तों। जैसे कि मान लो मैंने ये सन का दोस्तों, ये मैंने मान लो अर्थ का दोस्तों क्या कर दिया, वेस्ट पार्ट बना दिया, और ये अर्थ का ईस्ट पार्ट। अभी दोस्तों क्या है, जब अभी दोस्तों क्या है, सन का ईस्ट पार्ट बढ़ रहा है, अभी ये घूम के दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट दोस्तों इसके पीछे चला जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, घूम के आगे आ जाएगा, यानी इधर चला जाएगा ये वाला पार्ट और फिर इधर। तो ये रोटेट करता रहेगा, जो सामने आएगा वहां दिन होगा सन के, सन के जो सामने आएगा, मान लो सन ये ऐसे है, सन ऐसे खड़ा ऐसे है, ठीक है, ये फोकस लगा रहा है, और अर्थ ऐसे है, ठीक है। मैं देखो अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा, ठीक है। अब जैसे ये है तो दोस्तों, जैसे ये डस्टर है और ये सन है, ठीक है, समझना इसको, ये सन है और ये डस्टर है, ये अर्थ है, डस्टर को अर्थ मान लो और ये सन है। अभी देखो, अब ये सन का डस्टर का ये वाला पार्ट आ रहा है सन के सामने, तो यहाँ पे दिन होगा, फिर घूम के दोस्तों ये वाला पार्ट आ जाएगा तो इधर दिन हो जाएगा, फिर घूम के दोस्तों ये वाला पार्ट आ जाएगा तो इधर दिन हो जाएगा, फिर घूम के दोस्तों ये वाला पार्ट आ जाएगा सन के सामने तो ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है दोस्तों, रोटेशन करता रहेगा, और जो पार्ट सामने आएगा सन के वहाँ दिन हो जाएगा, और जो सामने पीछे रहेगा वहाँ रात हो जाएगी। समझ में आया ना? तो इसीलिए इसका दोस्तों क्या होता है, रोटेशन का दोस्तों क्या होता है, दिन एवं रात बनने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये याद रखना, रोटेशन से क्या होता है, दिन एवं रात पड़ बनते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल से समझाया, वरना लोग रटते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ड्यूरेशन क्या होगा, 24 घंटे। डायरेक्शन दोस्तों पश्चिम से पूर्व दिशा में, और इफेक्ट दोस्तों क्या होता है, रोटेशन का दोस्तों डे और नाइट का बनना होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब हम बात करते हैं इसकी दोस्तों, इसका दोस्तों क्या है, देखो समझो, मैं कुछ मिटालना चाह रहा हूं क्योंकि दोस्तों टाइम यहां पे कुछ बच जगह नहीं बच रही। चलो मैं इधर पे इसका दोस्तों क्या कर रहा हूं, यहां बना दे रहा हूं, डब्बे के अंदर मैं इसको फिट कर दूंगा कैसे भी करके। आप लोग बस ये जानिएगा, ये इसका है, ठीक है दोस्तों, ये इसका है, ठीक है। ये किसका है दोस्तों, ये इधर वाले का है, ठीक है। मैं ये नहीं मिटालूंगा क्योंकि इधर मुझे कुछ अभी बताना है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इधर देखो, इसका दोस्तों टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, यानी अर्थ दोस्तों अपने सूर्य के चारों तरफ घूमकर कितने टाइम में पूरा एक चक्कर लगा लेती है सूर्य के चारों ओर से। इसका ड्यूरेशन दोस्तों कितना है, इसका समय दोस्तों कितना, ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन कितना है दोस्तों, इसका ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन दोस्तों है 365 डे 6 घंटे में दोस्तों क्या करती है, ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। यानी अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और ये पूरा चक्कर करने में दोस्तों इसको कितना टाइम लगता है, 365 दिन और 6 घंटे लगता है, ठीक है। इसके बाद उसका डायरेक्शन दोस्तों क्या है, डायरेक्शन मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो इसका भी दोस्तों क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, वेस्ट टू ईस्ट, यानी दोस्तों पश्चिम से पूर्व, दोनों का सेम ही है, ठीक है डायरेक्शन। और इसका दोस्तों इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो इसका इफेक्ट होता है दोस्तों सीजन फॉर्मेशन, यानी ऋतुओं का बनना दोस्तों, सीजन फॉर्मेशन, यानी दोस्तों फॉर्मेशन, यानी दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ऋतुओं का बनना दोस्तों, है ना। क्या होता है दोस्तों, हर 3-3 महीने, जैसे कि दोस्तों क्या होता है, जैसे ये 0 डिग्री है, मान लो ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, इधर सामने 0, जब 0 डिग्री पर रहता है तो कब कब रहता है दोस्तों, 0 डिग्री पर दोस्तों सन 22 है ना, सितंबर और मार्च में दोस्तों ये 0 डिग्री पर रहता है, दिसंबर में दोस्तों और जनवरी में, दिसंबर में दोस्तों ये कहाँ रहता है दोस्तों 23.5 डिग्री पर होता है, और जून में दोस्तों कहाँ पर होता है दोस्तों, ये दोस्तों 21 जून को कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये मकर एक सॉरी दोस्तों कर्क रेखा पर होता, अभी आगे इसको पढ़ेंगे बट अभी इतना जान लो, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी आपको, इतना चीज़ है, यानी परिक्रमण में सॉरी दोस्तों हाँ परिक्रमण में दोस्तों क्या होता है, सन दोस्तों सूर्य के चारों तरफ, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, और उसका घूर्णन में जो समय लगता है वो दोस्तों 365 दिन 6 घंटे हैं दोस्तों, और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इसके कारण क्या होता है, जब अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही होती है तो इसके कारण क्या होता है, सीजन इफेक्ट पड़ता है, यानी ऋतुओं का बनना संभव होता है।
जो हम लोग ग्रीष्मकालीन, बसंत ऋतु और ये सारी चीज़ें जो देखते हो, शीतकालीन है ना, और वर्षा ऋतु, ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, ये तो दोस्तों परिभ्रमण के कारण, मतलब परिक्रमण के कारण, यानी रेगुलेशन के कारण, अर्थ के चारों तरफ सेल्फी लेने के कारण दोस्तों, समझ लो अर्थ दोस्तों स्वर्ण के चारों तरफ घूमती है इसके कारण, ठीक है ये। और इसका जो जो पथ होता है वो कक्ष की कक्ष के चारों तरफ घूमती है सन के, और इसका इलेप्टिकल होता है यानी परिवलयकार होता है, ठीक है ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, अर्थ ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा मुझे ये उम्मीद है। इसको फटाफट आप बनाइए और फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ अभी आपको, ठीक। और मुझे तो लग रहा है आप लोगों ने लिख लिया है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, इसको सिर्फ इसको, ठीक है, जो मैंने अभी लिखाया, क्योंकि मुझे इसका काम है। अब दोस्तों हम लोग चल रहे हैं टाइम कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। अब मैं आपको टाइम कॉन्सेप्ट की ओर लेते जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको और चीज़ें, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ और सिर्फ इसको बने रहने दे रहा हूँ, ठीक है। ये 24 घंटे वाला इसका काम है, टाइम कॉन्सेप्ट की ओर अब हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों देखो, अर्थ जब क्या है अपने अक्ष पर रोटेट करती है, तो वो क्या करती है दोस्तों, जैसे है ना दोस्तों, क्या होता है 24 घंटे में क्या कर रही है वो दोस्तों, एक चक्कर पूरा कर रही है। 24 घंटे में क्या कर रही है दोस्तों, एक चक्कर पूरा कर रही है रोटेशन होने में, ठीक है। वो लिखा हुआ मैंने यहाँ पर 24 घंटे में। दोस्तों मान लो दोस्तों क्या है, जैसे ये है अर्थ है, तो दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, अब इसको जब दोस्तों पूरा एक चक्कर करेगी तो कितने डिग्री घूम जाएगी ये दोस्तों, अर्थ अपने अक्ष पे कितनी डिग्री घूम जाएगी दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ दोस्तों घूमेगी, पहले इधर आएगी 90, फिर इधर आएगी, फिर 90, फिर दोस्त है ना, फिर 90 फीट है, यानी दोस्तों ये पूरे एक चक्कर, एक परिक्रमण, एक घूर्णन करने में, यानी अपने अक्ष पे पूरा घूमती है, तो दोस्तों ये क्या करती है, 360 डिग्री का कोण बना देती है, बनाती है ना दोस्तों, ऐसे घूमती है दोस्तों पूरा ऐसे, तो क्या करती है दोस्तों, 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमती है तो दोस्तों क्या करती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है ना, 360 डिग्री। तो हम दोस्तों लिख देंगे 24 घंटे में दोस्तों ये क्या करती है, 360 डिग्री घूम जाती है, घूम जाती होगी कि नहीं होगा, क्योंकि 360 24 घंटे में क्या होता है दोस्तों, एक चक्कर पूरे कर लेती है, और एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों ये क्या करती है, 360 पूरा घूम जाती है, ठीक है। तो 360 डिग्री 24 घंटे में हो रहा है, तो अभी हम लोग क्या करें दोस्तों, अगर इसको निकाले, 1 घंटे बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 आवर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 360 डिग्री अपॉन 24, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आवर बराबर, 1 घंटे बराबर दोस्तों क्या, 1 घंटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। यानी दोस्तों अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट दोस्तों क्या करती है दोस्तों, 1 घंटे में दोस्तों क्या करती है, 15 डिग्री घूम जाती है, या 15 डिग्री दोस्तों 1 घंटे में चलती है। बात समझ में आई, मतलब दोस्तों अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर अगर हम जाते हैं दोस्तों, तो 1 घंटे में दोस्तों क्या करती है, ये 15 डिग्री घूम जाती है, अर्थ दोस्तों क्या करती है, 15 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे बराबर दोस्तों क्या होगा, 15 डिग्री, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, तो क्या करना होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको उल्टा कर लेना है, 15 डिग्री को हम इधर कर ले रहे हैं और 1 घंटा को हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे और 15 डिग्री, और 1 घंटे में दोस्तों कितना होता है, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं दोस्तों। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 अपॉन 15, 15, और ये कट के कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। यानी दोस्तों क्या है, ये क्या है दोस्तों, मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूँ दोस्तों, इसको समझना है, इसको समझना है दोस्तों। 1 घंटे में दोस्तों क्या करती है, 1 आवर बराबर, 1 आवर बराबर दोस्तों क्या होती, 15 डिग्री। 1 घंटे में दोस्तों क्या करती है, अर्थ दोस्तों 15 डिग्री घूम जाती है, और दोस्तों 1 डिग्री के बराबर दोस्तों कितना होता है, 4 मिनट, 4 मिनट में दोस्तों क्या करती है ये, 4 मिनट में दोस्तों ये क्या करती है, 4 मिनट में ये दोस्तों क्या करती है, 1 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है दोस्तों। 4 डिग्री, 4 मिनट में ये 1 डिग्री रोटेट करती है, और 1 घंटे में दोस्तों ये क्या, 15 डिग्री रोटेट करती है। अब दोस्तों क्या हुआ, हमको चीजें डिग्री में पता हो गई, यानी दोस्तों अगर हम 15 डिग्री चलेंगे तो हम क्या होगा दोस्तों, अर्थ, अगर अर्थ के हम अगर 15 डिग्री आगे जाएंगे तो हमको कितना समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा अर्थ को जाने में, और दोस्तों क्या होगा, अगर 1 डिग्री जाएंगे तो अर्थ को जाने में 4 मिनट लगेगा। उसी अकॉर्डिंग दोस्तों हम क्या करेंगे, समय को निकालते जाएंगे, ठीक है, समय निकालने। अब इतना चीज़ें समझ में आ गया ना, मतलब दोस्तों ये टाइम कॉन्सेप्ट का दायरा था। देखो समझना क्या था कि दोस्तों मैं, हम लोग देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, अर्थ क्या होती है दोस्तों, अपने अक्ष पर दोस्तों क्या करती है, 24 घंटे में एक
अपना एक परिक्रमण, अपना घूर्णन पक्ष पूरा कर लेती है, ठीक है। और एक घूर्णन का पूरा करने में 24 घंटे उसको समय लगते हैं, 24 घंटे समय लगते हैं। और दोस्तों क्या होता है, अपने जब अक्ष पे वो घूम रही होती है दोस्तों, वो 360 डिग्री का कोण बना देती है, यानी जब घूम के जाएगी पूरा ऐसे, ठीक है, तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 360 डिग्री का कोण क्या होता है दोस्तों, ठीक है, 360 डिग्री क्या होगा, जैसे कि दोस्तों ये क्या होगा, ये 90, ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों 90, फिर इधर क्या होगा दोस्तों 180, ठीक है, और फिर इसी के बाद दोस्तों ये 90, ये 180, फिर 227, और फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 360। तो ये पूरा दोस्तों ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों, ये 90 दोस्तों, ये 90 दोस्तों, ये भी 90 दोस्तों, ये भी 90, कितना हो गया दोस्तों 360। तो एक परिक्रमण का एक अपना एक घूर्णन पूरा करने में कितना 360 डिग्री घूम रही है। तो जब 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम रही है, तो हमने निकाला कि एक घंटे में कितना घूम रही है, एक घंटे हमने बताया 15 डिग्री घूम रही, और फिर मैंने बताया 15 डिग्री बराबर एक घंटे, तो हमने घंटे को मिनट में चेंज कर लिया, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, और यानी 1 मिनट, 1 डिग्री बराबर दोस्तों कितना होता है 4 मिनट, यानी वो एक घंटे में दोस्तों क्या कर रही है 15 डिग्री घूम रही है, मतलब चल घूम रही है दोस्तों, ठीक है, का समय एक घंटे में दोस्तों वो क्या कर रही है 15 डिग्री को निकल जा रहे हैं, मतलब दोस्तों क्या है, दोस्तों क्या है, जैसे सन के सामने ऐसे खड़ी तो धीरे ऐसे चल रही है, तो ऐसे क्या है एक घंटे में दोस्तों क्या होगा 15 डिग्री घूम गई सन के सामने से, ठीक है, फिर क्या होगा दोस्तों और घूम जाएगी एक घंटे में 15 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों एक मिनट में दोस्तों 4 मिनट दोस्तों क्या एक डिग्री घूम रही है सन के सामने से, ठीक है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या हो रहा बदल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो 1 आवर बराबर 15 डिग्री और 4 मिनट बराबर दोस्तों 1 डिग्री, ठीक है, तो ये आपको समझना था, ठीक। अब हम लोग आते हैं फिर चीज़ें, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ये दोस्तों आपको लिख लेना है और फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम आते हैं दोस्तों टाइम कॉन्सेप्ट को, मोशन ऑफ अर्थ समझ लिया, ये जरूरी था इसको समझने के लिए, ठीक है, टाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो ये दोस्तों क्या है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और इसके बीच में ये वाली जो लाइन है दोस्तों थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा अगर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और ये अक्ष पे घूम रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दोस्तों क्या है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न पैदा होता है, तो उसको लाना ही नहीं कन्फ्यूज़न। और ये कितना है दोस्तों, ये 82.5 डिग्री, और मैंने क्या बताया दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट, 0 से जोड़ेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट, और ये ब्लैक वाली लाइन जो है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये 74 डिग्री वेस्ट, किससे दोस्तों 0 डिग्री से, हमने क्या बताया हर चीज़ को दोस्तों 0 डिग्री से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये लाइन है, होती लाइन दोस्तों क्या है, इस तरह मैंने जो अक्षांश रेखा है देशांतर बनाई थी वो वाली लाइनें होती। देखो अब इसको समझने के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया, मैंने जैसा कि आपको दोस्तों समझाया क्या है दोस्तों कि क्या करना है दोस्तों, देखो मैंने दोस्तों अभी इसको समझने के लिए दोस्तों क्या, जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों क्या है कि मैंने बताया अभी ये वाला, ये इधर मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर इधर दोस्तों, मैंने जो दो चीज़ आपको बताई हैं वो समझो, पहले मैंने बताया दोस्तों 15 डिग्री एक घंटे में दोस्तों क्या होती है, 1 आवर बराबर 15 डिग्री, ठीक है, और 4 मिनट बराबर दोस्तों 1 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ से निकाली थी, वो कैसे निकाली मैंने पीछे बता दिया, ठीक है। अब इसको आपको समझना, एक चीज़ आपको मैं स्टोरी समझाता हूँ दोस्तों, कैसे आपको पता चलेगा कि हम किधर जाएंगे तो जी ऐड करेंगे, किधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी दोस्तों इसमें दोस्तों ये चीज़ दोस्तों इसमें देखो मैं बता दूँ, इसमें मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, EGL है ना, WEGA WLS ये होता है। ईस्ट में जब हम लोग जाएंगे, ईस्ट मतलब देखो इधर मैं दोनों को इधर लिख दे रहा हूँ,
EGL और दोस्तों W, W और L मतलब लॉस, और G और S। देखो E मतलब तो ईस्ट, आप समझ ही रहे हैं। G मतलब दोस्तों गेन, गेन, और A मतलब दोस्तों ऐड। यानी जब हम दोस्तों ईस्ट की ओर जाएंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, टाइम को ऐड करेंगे। जितना टाइम यहाँ होगा उसमें दोस्तों क्या कर देंगे, उसको ऐड बन। जैसे मैंने बताया यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे मान लो 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों 85.5 डिग्री ईस्ट पे दोस्तों कितना बजेगा, और 74 डिग्री वेस्ट पर कितना बजेगा, ये कैसे निकालेंगे। जब ऐसा निकालेंगे दोस्तों क्या होगा, मान लो हमको 85.5 डिग्री का ईस्ट का दोस्तों क्या है, इस लॉन्गिट्यूड पर हमको समझ में आ गया कि इतना होगा। हम ऐसे कैसे करके उसे निकाल लेंगे, ठीक है। अभी बट ये जानना है, जब भी हम ईस्ट की ओर जाएंगे, ई डॉट ई जी ए, यानी दोस्तों मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया, मतलब ईस्ट की ओर जाएंगे तो गेन होगा। गेन मतलब क्या होगा, हम बढ़ेंगे, टाइम हमारा बढ़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ऐड यानी दोस्तों क्या होगा, जो भी 0 डिग्री में टाइम दिया है उसमें दोस्तों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक तो बढ़ेगा और दूसरा ऐड कर देंगे। और डब्लू यानी वेस्ट में दोस्तों लॉस होगा, लॉस होगा तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी 12 बज रहा है 0 डिग्री में, जितना भी टाइम यहाँ आएगा उसको इससे क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो दोस्तों यहाँ का टाइम निकल आएगा, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी से स्टोरी समझ में आता, समझाता हूँ ये दोस्तों, इसको लिख लीजिए बट आप लोग, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। देखो स्टोरी क्या है दोस्तों, मान लो दोस्तों ये मैंने 0 डिग्री बना दिया, और ये मैंने दोस्तों 74 डिग्री बना दिया, और ये मैंने दोस्तों आपके सामने 85.5, आप आराम से बस स्टोरी सुनिएगा, 85.5 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोस्तों इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो किसी भी, ठीक है। ये है दोस्तों, यहाँ क्या है, यहाँ दोस्तों आपका घर है दोस्तों, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपका घर है, ठीक है। अब आपका घर है और आपकी शादी जहाँ हुई है वहाँ, वो दोस्तों कहाँ, वो घर कहाँ है दोस्तों, आपका ससुराल दोस्तों जो है, आपका ससुराल दोस्तों कहाँ है, 85.5 डिग्री में, ठीक है। और आपकी एक सिस्टर है, और आपकी सिस्टर के जो ससुराल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, का जो ससुराल है वो दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, 75 मतलब 74 डिग्री पर है, ठीक है। ठीक, आपका जो आपका दोस्तों घर है 0 डिग्री पर, और आपका आपका जो आपकी शादी हुई है वो, और आपका ससुराल जहाँ है दोस्तों वो कहाँ पे, 85.5 डिग्री पर, ठीक है। और आपकी सिस्टर है और उसका दोस्तों उसका उसकी जहाँ शादी हुई है और जहाँ उसका ससुराल है वो दोस्तों कहाँ है, 74 डिग्री पर है, ठीक है। दोस्तों क्या हुआ, अब एक दिन आपका मूड बना, भाई नई नई शादी हुई रहती है तो ससुराल जाने का बहुत ज़्यादा चाव रहता है ना लोगों में, ठीक है। तो भाई, और आपकी अभी नौकरी तो लगी नहीं है, शादी हो गई, भाई पढ़ रहे हैं तो नौकरी तो नहीं लगी, तो क्या शादी ना करें, ठीक है। तो मान लो घर वालों ने जबरदस्ती करा दी, भाई कर ली, अब कर ली तो भाई मज़े भी लेने, चल रही है लाइफ। अब भाई मगर क्या है कि पैसे तो कमा नहीं रहे हो, पैसे तो घर वाले ही देंगे। तो मान लो क्या हुआ कि अब आप क्या करें, आप ससुराल घूमने के लिए निकले, आपको ससुराल घूमने के लिए जाना है भाई, तो आपने क्या किया, मम्मी से पैसा मांगा। अब भाई नौकरी करते हो तो चलो ठीक है, अपने मन से ही जितना पैसा खर्चा करना, कोई भर के भरोसे हो, तो क्या होगा दोस्तों, मान लो मम्मी ने कहा ठीक है, पहले तो दोस्तों छोटे जब नहीं होती कुछ कुछ भी तो 50-100 में ही मान जाते हैं भाई, खर्चा मान नहीं, ज़्यादा मांग ही नहीं सकते, ठीक है। बट फिर क्या होगा, मम्मी ने चलो 1,000 रुपये दे दिए, 1,000 रुपये दे दिए, अब तो भाई आपके रोले रोले, कहाँ 100-200 ही मिलते थे, 1,000 मिल गए, चौड़े से जाएंगे ससुराल, मजे लेंगे, ठीक है। गए वहाँ, अब वहाँ जाएंगे दोस्तों आप, वहाँ आपकी खूब खातिरदारी होगी, खूब आपको खिलाया पिलाया जाएगा, एकदम एकदम समझ लो राजा महाराजों की तरह रखा जाएगा, ठीक। इसके बाद हुआ क्या, आप वहाँ से चलने लगे। अब जब वहाँ से आप चलते हैं तो दोस्तों क्या होता है, नेंग नेंग चलते हैं, नेंग चलता मतलब कि धमाद आया है भाई, पैर छुए जाएंगे तो खाली तो पैर छुएंगे नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, 100, 200, 500 रुपये मिलेंगे। क्या होगा, मान लो आपकी सास हैं जो, उन्होंने आपको क्या किया दोस्तों, 500 रुपये दिए। अब भैया आप क्या है दोस्तों,
दे रहे हैं आप मना कर रहे हैं, नहीं 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 अरे रहने दीजिए, बट आप आपके अंदर से दोस्तों अरे मैं मना कर रहा हूँ फिर भी दे दो ना, मन में जेब में रख दो, जेब में रख दो भाई। ऊपर मन से तो मना करना पड़ता है ना, मन में तो ये चल रहा है कि नहीं 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 जेब में रख दो और 200 हैं वो भी दे दो मुझे, ठीक है। तो ये चल रहा है, ठीक है। तो क्या कहें दोस्तों, उन्होंने आपको 500 रुपये दिए और पड़ोसी के एक दो लोग आ गए, लोग ताता चा दादा चा और भी दादा चाची जो भी हैं वो भी आ गए, उन्होंने भी 10 10 भाई वो ज़्यादा नहीं देंगे, 10 20 रुपये ज़्यादा देंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या हुआ दोस्तों, आपके पास 1000 रुपये थे, ससुराल आप अपने गए, 500 रुपये और मिल गए, 1500 हो गए, 10 20 वाले और जोड़ लो तो 100 हो गए, 1600 रुपये आपकी जेब में भैया राजा। कभी 100 200 ही नहीं होते थे, कभी 1600 हो गए, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा दोस्तों, ठीक ये हो गया। मगर जब आप अपनी बहन के ससुराल जाएंगे, वहाँ भी आपको 1000 रुपये दिया है, बट आप यहाँ जाएंगे दोस्तों क्या होगा, तो अब आपकी बहन छोटी है, तो आप जब लौट के वहाँ से आएंगे तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सोचेंगे चलो 1000 मम्मी ने दिए थे, चलो 500 बहन को दे देते हैं, ठीक है। 500 क्या करते हैं, बहन को दे देते हैं। फिर भी बहन बहुत समझ लो भाई से प्यार करती है, कहेगी नहीं नहीं रहने दो, तू मुझे 100 दे दे बाकी तू रख ले, हैं। मगर फिर भी क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ आप दे कर आएंगे वहाँ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इधर आके इधर 100 रुपये दे कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है दोस्तों, आप जब अपने ससुराल जा रहे हैं, यानी दोस्तों क्या हो रहा है, जब इधर की ओर जा रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है दोस्तों, आपको पैसे बढ़ रहे हैं, आप चीज़ें क्या हो रही बढ़ रही हैं, ठीक है। और इधर जब जा रहे हैं तो चीज़ें क्या हो रही हैं, घट रही हैं, मतलब दोस्तों पैसा आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों क्या होता है, जब हम 0 डिग्री से ईस्ट की ओर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, टाइम दोस्तों क्या होता है इसमें जुड़ जाता है ना। जैसे क्या होता है, हमारे पास 1000 मनी था, उसमें दोस्तों 500 में हम क्या कर दिए, 16 हो गया। तो दोस्तों ईस्ट की ओर जब हम जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, टाइम जुड़ जाता है 0 डिग्री में, और जब हम वेस्ट की ओर जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, टाइम दोस्तों क्या होता है, घट जाता है। अब आपको स्टोरी से दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्टोरी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। आपको मैं हर एक संभव प्रयास करूंगा याद कराने का और दोस्तों आपको याद रखाने का, ठीक है। तो EGE से भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, देखो अब 0 डिग्री में था, दोस्तों पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, 74 डिग्री निकालते हैं। दोस्तों क्या है, देखो 74 डिग्री, ठीक है, 74 डिग्री है। अब 74 डिग्री क्या है दोस्तों, हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको 15, 74 डिग्री वेस्ट में है तो दोस्तों इसको क्या करते हैं, हम 15 से भाग कर देते हैं, 15 से भाग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 चौके 60 4, ठीक है, और बचा कितना दोस्तों, 14 डिग्री, 14 डिग्री बचा दोस्तों, ठीक है, ठीक क्या है दोस्तों, 14 डिग्री बचा। तो 1 डिग्री बराबर दोस्तों कितना होता है, 4 मिनट। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, इसको दोस्तों क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 चौके 56 दोस्तों, 56 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना बजेगा दोस्तों, वहाँ पे टाइम होगा उस समय 4:56, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कितना टाइम होगा दोस्तों, इस समय 4:56, ठीक है, वेस्ट में इतना है। और इसमें से दोस्तों क्या करेंगे, हम 12 में से घटा देंगे, 12 में से दोस्तों क्या करेंगे, 4 डिग्री 56 मिनट को दोस्तों अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। यानी दोस्तों इस समय जो यहाँ टाइम हो रहा होगा, यहाँ जो टाइम हो रहा होगा दोस्तों, 7:04 हो रहा होगा, यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा एग्जैक्ट टाइम दोस्तों क्या होगा, 7:04, ठीक है दोस्तों, 7:04 समझ में आया दोस्तों। क्या था दोस्तों एग्जैक्ट टाइम, इसके वजह से अगर देखो जाए टाइम, इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4:56। बट दोस्तों क्या है, मैंने बताया दोस्तों क्या होता है, जब हम इधर से ईस्ट की 0 डिग्री से वेस्ट की ओर जाते हैं दोस्तों क्या करता है, जो टाइम जो यहाँ पे लेटिट्यूड होता है उसके थ्रू जितना टाइम आता है उसको दोस्तों क्या करते हैं, 12 से घटा देते हैं। तो वही काम मैंने किया, 4:56 दोस्तों आ रहा था, इसको मैंने क्या कर दिया, 12 से घटा दिया और टाइम कितना आ गया दोस्तों, ठीक है, 7:00। ये दोस्तों क्या है, ये 12 AM है, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये PM हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, PM हो जाएगा, ठीक। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये रात के 12 बज रहे हैं और ये सुबह के 12 बजेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी,
ठीक, कैसे निकालते हैं 15 से दोस्तों। अब जैसे बड़ी वैल्यू, मान लो छोटी वैल्यू होती तो दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, बट दोस्तों ये बड़ी वैल्यू को दोस्तों क्या करते हैं 15 से हम डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हम क्या करते हैं 82.5 का निकालते हैं। देखो 82.5 डिग्री का क्या होगा दोस्तों, हम क्या करेंगे इसको भी 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 × 75 आ जाएगा दोस्तों, 15 × 75 और बचा कितना दोस्तों 7.5 बचा। और इसको हम क्या करते हैं दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 × 4 और ये हो जाएगा दोस्तों 30, है ना, 30 आ जाएगा, 7.5 का दोस्तों 30 हो जाएगा, तो ये कितना होगा दोस्तों 5 30, ठीक है। और ये दोस्तों क्या हो रहा है 12 AM हो रहा है, और इसमें दोस्तों 5 और हम जोड़ देंगे तो 5:30 बजेगा इसमें दोस्तों, 5:30 का दोस्तों AM ही होगा, ठीक है, 5:30 का दोस्तों क्या होगा AM होगा। अभी दोस्तों क्या होता, इधर होता तो हम इसको घटा देते हैं, इधर क्या किया मैंने जोड़ दिया तो AM का टाइम आया, ठीक है, तो इधर 5:30 AM बज रहा है। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों आप अगर कभी आपने गूगल देखा होगा या कभी आप टाइम देख रहे होंगे तो उसमें लिखा होता है ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू प्लस 5:30 GMT लिखा हुआ देखोगा, क्योंकि इसको दोस्तों ग्रीनविच टाइम लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम GMT, तो ये 0° GMT होता है। और इसके इधर अगर ईस्ट की ओर जाएंगे तो प्लस करेंगे, तो मैंने इसलिए प्लस कर दिया, और इधर की ओर जाएंगे तो ये हमेशा दोस्तों माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको टाइम कॉन्सेप्ट एक चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने स्टोरी इसलिए बताई हूँ कि जब भी अगर हम ईस्ट की ओर जाएंगे 0° से, जब भी हम ईस्ट की ओर जाएंगे, ठीक है, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम से जब भी हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो दोस्तों हमेशा टाइम क्या होगा जुड़ेगा, और जब भी हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो दोस्तों टाइम क्या होगा घटेगा, ठीक है, जो भी चीज़ आएगी उसको घटा देंगे, ठीक है। तो वह मैंने बताया, जैसे ये बताया, अब आप किसी भी टाइम का ले लो, मान लो दोस्तों आपको और एग्जाम्पल लेने हैं, जैसे देखिए कोई और, मैं देखो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कुछ भी बताओ, यहाँ कुछ 12 के अलावा कुछ भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बता दो। मान लो दोस्तों यहाँ पे आपने 11 PM हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो टाइम है वो मान लो आपने 75 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपने ये टाइम आपने दोस्तों मान लो कर दिया 60 डिग्री है, इमेजिन कर लो कि ये 60 डिग्री पर है, ठीक है। तो आप दोस्तों देखो 75 है डिग्री, इसको 15 से दोस्तों क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है, 15 × 5 तो 5, ये 5 आवर आ जाएगा, ठीक है, 5 आवर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 5 आवर आ जाएगा, और 5 आवर को दोस्तों क्या कर दो 11 PM से घटा दोगे दोस्तों 5 आवर को कितना हो जाएगा दोस्तों 6 PM हो जाएगा, 6 PM का टाइम यहाँ पे होगा, 6 PM का टाइम यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों 6 PM का टाइम होगा, ठीक। अभी देखो यहाँ 60 का दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ आपको, घटाया मैंने ना 11 से दोस्तों 5 घटाओगे तो 5 घटाओगे दोस्तों कितना बजेगा 6 बजेगा ना, और 6 का PM हो रहा दोस्तों, क्योंकि 11 के रात के 11 बज रहे हैं तो दोस्तों अभी दिन के भी तो 6 ही बजेंगे ना दोस्तों, क्योंकि इवनिंग का टाइम है। और फिर मैंने दोस्तों अभी देखो 60 है तो 60 को मैंने क्या किया दोस्तों इसको 15 से डिवाइड किया, 15 × 60 ये पूरा और 4 घंटे आ रहा दोस्तों, तो 4 घंटे दोस्तों क्या करना है दोस्तों इस 11.5 में जोड़ देना है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 AM हो जाएगा, 3 AM हो जाएगा दोस्तों, तो 3 AM बजेगा उस समय वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जो भी टाइम इस डिग्री से निकालोगे उसको जितना 12 यहाँ पे बज रहा है उसको जोड़ दोगे बस वो टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको टाइम कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने 2-2, 3-3 बार और बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की, इतना आपको कोई कहीं भी नहीं पढ़ाएगा, आप जाके YouTube पे सर्च करके देखिए जितना इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पर्पज़ मेरा यही है कि आप चीज़ों को बस कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, और वीडियो अगर सेक्शन अच्छा लगा हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और लाइक कमेंट भी कर दिया करें, बताया करें कि दोस्तों किस तरीके से क्या है। बाकी कुछ लोग तो हैं दोस्तों जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उसका मैं उनसे बहुत धन्यवाद देता हूं मैं उनको दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक आप रुक कर पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, और जब तक आप 2-4 दिन कंटिन्यूटी बनाएंगे नहीं, तो आप किसी भी टीचर के पास जाइए, कितना भी आपको कोई कितना भी
दोस्तों फेमस टीचर हो, चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, उसकी आप एक लेक्चर से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप उससे कंटिन्यू नहीं करोगी। कंटिन्यू करने से ये होगा कि आप उससे जान पाते हैं वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है तब, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे इससे आगे के सेशन पर, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय, जय हिंद दोस्तों।